Amit, how do you all plan your, you know, what are you going to perform? Because it all depends from where are you performing also. Delhi is most of Punjabis actually, you know, so wahan par Punjabi songs zyada rahenge. How do you all actually coordinate with each other? Well, हम सभी को जितने भी फैंस हैं जो भी हमें पसंद करते हैं और हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि हम दोनों बहुत अच्छे डांस करते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक अच्छे डांसर होते हैं तो आपको डांस दिखाना होता है और अच्छे गानों पे एक्चुअली डांस तभी अच्छा लगता है जब अच्छे गाने होते हैं तो जैसे आपने कहा कि हम अगर हम पंजाब में शो कर रहे हैं तो पंजाबी गाने ज़्यादा होते हैं और हिट नंबर ज़्यादा होते हैं पंजाबी स्टेप्स ज़्यादा होंगे जिस जैसे कि हम दिल्ली में अभी परफॉर्म कर रहे हैं तो दिल्ली के हिसाब से कौन से गाने ज़्यादा वहाँ पसंद होते हैं वहाँ पे हिंदी और पंजाबी गाने दोनों पसंद आते हैं तो वो गानों को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम परफॉर्म करते ऐसा नहीं होता कि 31st मतलब आप ऑडियंस के बीच में रह गए और आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो हम लोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अच्छा डांस करें और उस पर ज़्यादा मेहनत की जाती है नो 5-6 दिन 7 दिन हम प्रॉपर डांस प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद 31st में जब परफॉर्म करते हैं उसका अलग मज़ा होता है यू नो प्लस जैसे आपने कहा बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर जब हम लोगों ने कलकत्ता में किया था कुछ कुछ गाने होते जिसका ओरिजिनल वर्शन बंगाली है हमने वो सारा भी यूज़ किया था जब तुम्ही किया माय बुलबे आमार माने वी ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ नेशनल एज वेल एज द रीजन सेंट्रिक सो या यू गॉट इट राइट वी डू अ लॉट ऑफ होमवर्क as to the region that we are performing and we select songs accordingly. Mr. Reddy, here. You know plenty of stars. So how do you finalize them for the 31st bash? Well, as I told you, you know, I talked to my team both in the global office as well as, you know, let us say Bombay. I talked to my Bombay team and I talked to the Bombay operations team. I go back, I talk to the marketing people because marketing is the key essence of the country club. And I tell them what do you think of this star and how do you think you know the markets are going to accept. So I take different versions you know across the country and then we our team country club decides who's going to perform where. Thank you. So yeah, thank you. Gurmeet Devi na December mein Delhi mein thand hogi. To stage pe garmi lane ke liye aap log kya kya karne wale ho? Kuch socha hai? Jaise Gurmeet ne kaha na, hum log itna dance karte hai. तो उसी में हम लोग को गर्मी होगी प्लस हम लोग स्टेज पे जलवा बिखेरेंगे तो वहाँ पे ऑडियंस भी एकदम चार्ज्ड अप हो जाएंगे दे विल नॉट फील कोल्ड एट ऑल नहीं एक्चुअली हम कोशिश ये करते हैं जब परफॉर्म कर रहे होते हैं सिर्फ हम ही ना करें जो ऑडियंस है वो भी परफॉर्म करे हम उनके साथ जाते हैं उनके साथ डांस करते हैं तो दिल्ली की जो ठंडी होती है बहुत कड़ाके की होती है आपने सही बोला पहली बार हम 31st को परफॉर्म करने वाले हैं देवीना ऐसा मत करना कि कंबल पहना देना मुझे परफॉर्मेंस के लिए कंबल की जरूरत है वेयर विल आवर केमिस्ट्री गो गुरु इफ वी हैव टू वेयर अ कंबल जवाब मिल गया इनसे थैंक यू शिफाली हाय इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू फ्रॉम सो मेनी इयर्स यू हैव बीन नोइंग यू एज अ काटा गर्ल एक्चुअली यू आल्सो एक्साइटेड लाइक टू बी इन मुंबई व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड एंड डेफिनेटली दैट योर फेमस सॉन्ग काटा लगा how people go crazy and how do you know plan every time this song actually you know if you have to wake me up in the middle of the night and tell me start dancing on Kaata Laga I'll do that I have lost count on the number of times I have performed on my song Kaata Laga and it's remarkable how people still groove to it I mean I understand sometimes I don't think I've been able to fathom the success of the song even till date you know even today I have people from all age groups enjoying the song demanding for once more always country club I have to give a once more performance they love the Kaata Laga and so do I and I'm so fortunate that my first stint became so successful and gave me an identity for myself there can be no other Kaata Laga girl in the world but me that makes me really really happy to celebrate that with my audiences and they still groove to Kaata Laga coming back to your question how do we prepare a we hire the best choreographers in the country and country club gives us the liberty to do that and there is no compromise on the budgets you know to keep maintaining the grandeur of the event so we have the choreographers coming on board then we sit together and we decide what songs are apt for that particular region
what. Sometimes I also interact. We have a Facebook chat that happens with the fans. I ask them questions like what songs are their current favorites and what would they want to see me perform on. So it's also about understanding what the audiences want. We then lock the songs and then a fantastic act is choreographed. It takes about 2 to 3 weeks of hard work for the choreography to happen, and then we go and rehearse. Because I know it is the biggest show of the year for us as artists and for the audiences as well. You know, the New Year's party is the one party that you look forward to. So like Gurmeet said, there's a huge responsibility on our head and there is added pressure. The expectations of the audience is also very high because they want to have a good time. And we as artists, we try to leave no stone unturned to deliver. So whatever that is there in our control, and fortunately Country Club is a wonderful employer. They do give us the liberty of going out there and giving our best. So I think a lot of hard work goes into it, everything from the costumes to the stage, the lights, the sound, the smoke machines, the effects, the confetti blasts. I think everything together makes a fantastic show. So yeah, they all put together a great show. Khushbu, रियलिटी शो में डांस करना एक अलग बात होती है, स्टेज शो पर नाचना एक अलग बात होती है. आपका एक्सपीरियंस क्या क्या कहेगा? हेलो, यू मीन द लाइव शो का एक्सपीरियंस, राइट? डेफिनेटली इट्स वंडरफुल, स्पेशली लाइक परफॉर्मिंग ऑन दिस स्टेज. इट्स लवली टू परफॉर्म एंड लाइक स्पेशली व्हेन यू हैव अ वंडरफुल ऑडियंस, लाइक यू नो दे अप्रिशिएट यू, दे क्लैप फॉर यू. इट फील्स रियली ग्रेट. आई मीन या फील्स ग्रेट. That's it. Thank you very much, friends in the media. And towards the end, ek point cover karna chahungi, that hum jo packages dete hain, the winning packages to the, you know, we have a lot of crazy calls, and the people who really dance well, swing well, get a lot of prizes, and that's all across Country Club memberships. They win a beautiful 3-day and 2-night stay, and everyone really looks forward to winning those awards on the New Year Eve. So once again, I'd like to welcome each and every one of you, friends from the media. Shefali is here in front of you. She's going to rock the New Year bash in Mumbai. Delhi is with Debina and Gurmeet. Already, unka romance shuru ho chuka hai. Khushbu is in Pune and I'm in Dubai. You're most welcome. Towards the end, ek beautiful si shayari kehna chahungi main. Izazat hai ji? Shukriya. Irshad. Sir? And the dignitaries, may I please request you all to kindly stand up towards the end. Wo kehte hain na? Yes, Aditya, can we go live, please? Can we go live? Thank you. Wo kehte hain na? And this is apt, Shukriya ji. This is apt to everyone who is here on the dais with our respected chairman and managing director, Shri Rajiv Reddy. And sir, this is for you. Wo kehte hain? मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए. कंट्री क्लब का क्लब हाथ में आ गया. एवरीवन जॉइन हैंड्स टुगेदर. कंट्री क्लब का हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए. जी हाँ, हमारे चिराग इसलिए जलते हैं ओनली बिकॉज ऑफ कंट्री क्लब, एंड वी मस्ट से कंट्री क्लब रॉक्स. All hearty thanks to our chairman and managing director, Shri Rajiv Reddy, and we did love to applause for you, everyone here on the dais. Let's applause for Rajiv Reddy. Friends from the media, let the celebration begin. Please join us for Asia's biggest New Year Bash 2019. Let's ring in 2019 with a bang, only with Country Club. Country Club rocks. We are now open for the media bites. I request our chairman and dignitaries to kindly sit down.
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ. आई थिंक न्यू ईयर्स एक ऐसा मौका होता है जो साल की का अंत होता है, नए साल की शुरुआत होती है, तो सबके लिए उसके मायने बहुत स्पेशल रहते हैं. और मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग न्यू ईयर के दिन पार्टी मनाते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. तो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड बिकॉज हर साल मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ एंड व्हाट अ बेटर वे टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर देन वर्किंग. यस, इस साल डेफिनेटली हम लोग जो इस साल के सबसे बड़े हिट गाने रहे हैं उस पर परफॉर्म करने की पूरी मैं कोशिश करूँगी. अब हम तैयारी शुरू करेंगे, हम कोरियोग्राफर्स के साथ मीटिंग करेंगे, हम ऑडियंसेस पोल लेंगे कि उनको कौन से गाने देखने हैं. इस साल मैं मुंबई में परफॉर्म करूँगी तो मुंबई की ऑडियंसेस को माइंड में रख के उनके हिसाब के जो उनके फेवरेट गाने हैं उन पे परफॉर्मेंसेस होंगे. मैं मुंबई और मैं परफॉर्म कर रही हूँ ये जान के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि आज 15 साल हो गए हैं, हर साल मेरा न्यू ईयर शो होता है और मैं अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ. पहले जनवरी को उनको मिलती हूँ. इस साल मुझे कंट्री क्लब ने मौका दिया है बॉम्बे में परफॉर्म करने का, तो आज कंट्री क्लब फैमिली के साथ परफॉर्म करके मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन करूँगी और मैं इस साल इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने स्क्रीन्स पे शेयर भी किया था किसके साथ, जो एक्टिंग के जो महारथीज हैं, कीकू, श्रेयस, चंकी, जो कॉमेडीज़ के वेटरन हैं, मतलब दे आर द मास्टर्स ऑफ कॉमेडी. और मेरा एक्चुअली पहला एक्टिंग स्टिंट था और कॉमेडी वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट जॉनर है और इनके साथ स्क्रीन्स पे शेयर करना मुझे तो लगा कि मैं फीकी लगूंगी, मगर आई एम हैप्पी दैट ऑल्ट बालाजी ने इतना भरोसा किया मुझ पे, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वंडरफुल को स्टार्स डायरेक्टर. आई थिंक अच्छा लगा है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. इट इज़ अ फिनोमिनल सक्सेस एंड आई एम वेरी एक्चुअली अपसेट कि मैंने इतना वक्त क्यों ले लिया ये करने में, बट देर आए दुरुस्त आए. आई एम जस्ट हैप्पी पीपल आर लविंग माई वर्क. यस, absolutely. I want to wish all the viewers out there a very 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 happy new year. May the new years bring a lot of happiness, success, abundance, joy. Have a great time with your loved ones, with your family, and all the very best. Thank you. हम तो बहुत एक्साइटेड हैं. आप क्या उतने एक्साइटेड हैं कि आप हमारे पीछे दिल्ली आएंगे? देखो, आप देवीना को घुमा नहीं सकते. आप नहीं आएंगे, आपका टीम आएगा. बिल्कुल, तो कहीं पे भी रहे भारतवर्ष के कंट्री क्लब जिस बिल्कुल जिस तरीके से हर जगह है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी हमारे मीडिया फ्रेंड्स हमें हमारे फैंस से जोड़ते रहते हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड. जब भी आप एक नए रीजन में करते हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है बिकॉज यू फील दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू अ न्यू सेट ऑफ पीपल. तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और हम एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज ही हमें मिस्टर रेड्डी ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज था, पर बहुत मज़ा आया ये सुन के कि दिल्ली जा रहे. घूमी तो एकदम सुनते ही सुपर एक्साइटेड. हाँ, एक्चुअली दिल्ली आज ही नहीं जा रहे, 31st में हम पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं दोनों. हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट हमने कहीं बाहर किया लेकिन दिल्ली में नहीं किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रमोशन के लिए गए हैं लेकिन वहाँ के ऑडियंस के लिए कभी परफॉर्म नहीं किया. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ है हमारे लिए भी था. और जो दिल्ली में जो हमें पसंद करते हैं वो आप सभी दिल्ली आ सकते हैं 31st को हमें लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखते हुए. ओह, ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है रीमिक्स करने का. हाँ, एक गाना हिंदी में, एक गाना बंगाली में. नहीं नहीं, एक ही गाना, तो एक बार थोड़ा सा हिंदी में. अच्छा, हाँ, विच इज़ वेरी गुड. हो सकता है एक बंगाली गाने को पंजाबी तड़का डाल सकते हैं.
नहीं नहीं अच्छा आइडिया, इनफैक्ट देवीना तो बहुत अच्छा गाती है, देवीना को एक्चुअली एक तुम्हें म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना चाहिए खुद गा के, जो बंगाली में गाऊंगी और लेकिन बीट होगा पंजाबी। हाँ मैं बीट हिंदी में मैं डांस करूंगा। तुम हिंदी में डांस वेरी गुड। स्टेज मैं नहीं संभालती हूँ, स्टेज इनके टीम संभालते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं हर बार गुरमीत के, मतलब हाथ पांव जोड़ते हैं कि प्लीज़ आप ऑडियंस में मत उतरिए क्योंकि ऑडियंस को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो वो बाउंड्री टूट जाता है और ये फिर चले जाते हैं और उसके बाद से सारे ऑडियंस इतने खुश होकर कूद पड़ते हैं, तो मतलब आई वुड थैंक देयर टीम, देयर लाइक सेट ऑफ सिक्योरिटी पीपल जो पूरे क्राउड को भी कंट्रोल करते हैं प्लस इनको भी। नहीं नहीं राम जी की नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई शो या फिल्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लंबे बाल कर रहा हूँ, कुछ एक्साइटिंग है, आई होप सो कि जल्दी मैं आप लोगों को बता पाऊँ और जैसे सब कुछ होता है तो आप लोगों को बता पाऊँ, और बड़ी दिनों से बहुत सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कुछ नए लुक में वापस आऊँ, नहीं तो हमेशा जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उसमें छोटे बाल करने पड़ते हैं, पल्टन में इतने छोटे करने पड़े कि मैं गंजा ही दिख रहा था लेकिन अभी बाल लंबे किए हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। Well, I think we are looking forward with a lot of optimism because 2018 has been so far very, very successful. All the shows, whether it is Diwali, whether it is Navaratri, whether it is even Halloween, which we celebrated recently. It's Halloween originated from Austria, and today, I mean, we were able to really evolve around such family-related concepts. In Dubai, I was there when Halloween started, and it was really an amazing hit. So what I'm trying to tell you is, this is a concept, you know, country club, where, you know, it can get people together and so many families, I mean, aunties, uncles, grandpas, grandsisters, and, you know, all the kids, you know, they make it a huge platform. So, I mean, it's a big social revolution, which country club is there. And I'm sure, I think a lot of people are going to have a big this thing. And 2019, I'm sure the way what how we are going is going to be a huge hit. I look at it very optimistically. And yeah, thank you. दुनिया के बाहर हिंदुस्तान वेल न्यू ईयर आने वाला है और हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं न्यू ईयर पे, कहते हैं कि जब भी आप 31st को काम करते हो तो पूरा साल अच्छा जाता है, हमारा हर साल बहुत अच्छा जाता है क्योंकि 31st को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं लेकिन हम 31st को काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो अभी हम बहुत ही प्लान कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत कौन सी जगह पे जाएंगे, कौन से देश में हम घूमने जा रहे हैं, आप भी सजेशन दीजिए हमें कहाँ जाना चाहिए, जा चुके हैं जी, ये चाइना के जाना चाहती हैं और ये भूल गई कि मैंने अभी इंडिया चाइना वॉर पे एक फिल्म की है और ये बहुत सीरियस हैं, वहाँ पे जाना चाहती हैं और हाँ, तो बहुत लड़ाई चल रही है, आप लोग को सजेशन अगर कुछ लगता है कि कहाँ जाना चाहिए 31st के बाद तो प्लीज ट्वीट कीजिए इंस्टाग्राम में हमें, मैं तो जाना चाहती हूँ। देबिना डिकोड्स में आप डिकोड करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं नहीं वो नहीं, हम इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं पर यहाँ पे पूछ लिया, आप लोग हमें बता दीजिए कि कहाँ जाना चाहिए, मैं तो जाना चाहती हूँ चाइना, हाँ और ये जाना चाहते पता नहीं, मुझे अभी इंडिया चाइना वॉर पे की है फिल्म, मैं मुझे चाइना लेके जा रही है, और गुरमीत को बोला कि उनको टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे चाइना से, तो अगर कोई इन्विटेशन दे हमें तो हम जा सकते हैं, आई एम टेलिंग रियली एवरीबडी ये सच है। हाय दिस इज देबिना, हाय देयर दिस गुरमीत चौधरी, हम लोग न्यू ईयर पे परफॉर्म करने वाले दिल्ली में और आप लोग भी अगर आ सके तो प्लीज़ जरूर आ जाइए, आना ही होगा मतलब अगर आप रहेंगे तमिलनाडु में शायद आप नहीं आ सके, लेकिन आप लोग ज़रूर देखते रहिए, बिल्कुल इसी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल भी वहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि आप देखना चाहते हैं और हमें कवर करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे कि हम लोग न्यू ईयर किस तरीके से मनाएंगे और आपका साथ
साथ हमारे साथ हो तो क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर 2019। ये हमारे साथ रहे, ये बहुत पुराना दोस्त है, इसको तू आएगा पक्का, आप देख सबके सामने तू बोल रहा है, ये इसका शक्ल लो नहीं आया ना तो हम बोलेंगे हम लोग नहीं परफॉर्म करने वाले अगर तू नहीं आया तो। ये बहुत करीबी दोस्त है, इसको आना ही पड़ेगा और हम 31st को हम बात करेंगे। हाँ, दिल्ली में। और इसने मुझे अभी अभी घड़ी गिफ्ट की है, तेरे हाथ की घड़ी कहाँ गई? देखो इसको मालूम है मैं घड़ी हाथ से निकाल लेता हूँ। तो गुरमीत पे भरोसा मत कीजिए, नजदीक खड़े होते कुछ भी चुरा लेते हैं। दो दो मतलब घड़ी हो सकती है। थैंक यू जी, रेडी? या डेफिनेटली आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस न्यू ईयर लाइक ऑलवेज। न्यू ईयर में सबसे पहले तो बस यही आता है कि न्यू ईयर का सबसे बेहतर इवेंट करना है, एंड आई गो फॉर्चुनेटली आई गो दिस इवेंट कंट्री क्लब एंड इट्स रियली वंडरफुल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज बिकॉज ऑडियंस इज इनक्रेडिबल। इतना अप्रिसिएशन एक आर्टिस्ट को जो चाहिए होता है, प्यार जो चाहिए होता है वो मिलता है, सो दैट्स रियली ग्रेट, यू नो आपको अच्छा लगता है। जी मैं आई एम गोना बी परफॉर्मिंग इन पुणे, तो सॉन्ग्स जो है वो उसमें बिकॉज पुणे है, महाराष्ट्र है एरिया है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा मराठी सॉन्ग्स होंगे, इंग्लिश हिंदी, बट आई पर्सनली लाइक दैट एक दो तीन सॉन्ग, सो मैं चाहती हूँ कि वो गाना उसमें हो एंड या एंड उसके बाद डिस्कशन के बाद देखते हैं कि वो कैसे होगा, तीन चार परफॉर्मेंसेस एंड अराउंड हाफ एन आवर का परफॉर्मेंस के हिसाब से। सो या तैयारियाँ जम के चलेगी बिकॉज 31st एक इवेंट होता है जिसमें अगर हम एनर्जी दिखाएंगे तो ऑडियंस इन्जॉय करेंगे एंड आई वॉन्ट देम टू ऑल्सो परफॉर्म एंड इन्जॉय द होल इवेंट एंड हैव फन। सॉन्ग्स अभी सी डिस्क्लोज कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं है, बट अभी तक हमने डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए एंड कोरियोग्राफर्स के साथ पे बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिकॉज सबके मिक्स मैच, सबके सेम सॉन्ग्स रिपीट भी ना हो एंड यू नो अपने अपने गाने हो, अलग अलग से सॉन्ग्स हो सबके, तो वो ध्यान में रख के फिर होगी परफॉर्मेंसेस। या आई वुड लव टू विश यू ऑल द बेस्ट न्यू ईयर एंड एक अपना रेजोल्यूशन बनाइए और सबसे बेहतर बनाइए और क्या मेक अ बेटर लाइफ, दैट्स ऑल। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।